का दशक वहाँ के लोगों को देखकर डरता है। मुख्य समाचार, बॉम्बे, दिल्ली और अनेक शहरों में स्टुअर्टपुरम का चोर मद्रास सेंट्रल जेल से भाग निकला है। धड़ धड़ भागने वाली रेलगाड़ी उस इलाके के नजदीक पहुँचती धर धर कांपने लगती है। स्टुअर्टपुरम इस इलाके का एक नाम और भी है, टाइगर जोन। सर नागेश्वर राव आर्मी में जाता तो अपनी हिम्मत से युद्ध जीत जाता, तो उसने 8 साल में ही खून पीना शुरू कर दिया। द जोन ऑफ टाइगर नागेश्वर राव। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का एक और धमाकेदार इंटरेस्टिंग वीडियो में। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे रवि तेजा की मोस्ट एक्शन थ्रिलर अपकमिंग फिल्म टाइगर नागेश्वर राव के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और दोस्तों टाइगर नागेश्वर राव मूवी का एक फर्स्ट टीजर आउट हो गया, आप लोग उसे फर्स्ट लुक या फर्स्ट ग्लिम्स भी कह सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, इस टीजर का फर्स्ट लुक आउट हो गया, फर्स्ट लुक टीजर आउट हो गया है। तो दोस्तों बात करेंगे हम टाइगर नागेश्वर राव मूवी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में, और जानेंगे कि ये मूवी आप लोग कब तक सिनेमाघर में देखने को मिलेगी। ये सब जानने के लिए दोस्तों वीडियो में लास्ट तक जरूर बनेगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर आप लोग को ऐसे फिल्मों से रिलेटेड अपडेट देखने को मिलते हैं और मिलते भी रहेंगे। तो दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं टाइगर नागेश्वर राव मूवी के लेटेस्ट अपडेट के बारे में। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं टाइगर नागेश्वर राव मूवी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है जिसको पैन इंडिया लेवल पर रिलीज किया जाएगा। और दोस्तों इस मूवी को हिंदी, तमिल, तेलुगु, मलयालम भाषाओं में भी रिलीज की जाएगी। और दोस्तों इस मूवी की कास्ट की बात करें तो दोस्तों इसमें आप लोग को लीड रोल में साउथ के सुपरस्टार रवि तेजा, नूपुर सेनन, रेणु देसाई, गायत्री भारद्वाज, अनुपम खेर, अंधवा साई कुमार। और दोस्तों इस मूवी में जॉनी अब्राहम का आइडियो भी होगा और कार्सी भी आप लोग को देखने को मिलेंगे। और दोस्तों ये इस मूवी की प्रोडक्शन कंपनी अभिषेक अग्रवाल है। और इस मूवी के डायरेक्टर की बात करें तो दोस्तों इस मूवी के डायरेक्टर वासमी कृष्णा नायडू है। और वही दोस्तों ये मूवी आप लोग को इसी साल अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगी। और दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं इस मूवी की बजट कितना आया था। दोस्तों इस मूवी को 40 से 50 करोड़ के बजट में बनाया गया है, ऐसी न्यूज निकल कर आ रही है। और दोस्तों इस मूवी का फर्स्ट टीजर देखने के बाद फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हो गए इस मूवी को सिनेमाघर में देखने के लिए, और रवि तेजा के फैंस भी इस मूवी को लेकर काफी ज्यादा एक्साइटेड है। और दोस्तों ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म होने वाली है। इस मूवी की रिलीज डेट की बात करें तो दोस्तों इस मूवी आप लोग को 20 अक्टूबर 2023 को सिनेमाघर में देखने को मिलेगी। और दोस्तों उसी दिन टाइगर श्रॉफ की मोस्ट एडवेंचर एक्शन थ्रिलर फिल्म गणपत पार्ट 1 भी आ रही है। और दोस्तों 19 अक्टूबर को थलापति विजय की लियो भी आ रही है। तो दोस्तों ऐसे में इन तीनों मूवी का आपस में क्लैश भी हो सकता है। दोस्तों आप लोग कमेंट सेक्शन जरूर बताया कि आप लोग इन तीनों मूवी में से किस मूवी के ज्यादा वेट करें। और दोस्तों ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को भी लाइक जरूर करिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।